नमस्कार, एक्वाकल्चर गुरु में आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग एक्वाकल्चर में अमोनिया के बारे में जानकारी लेंगे, अमोनिया के डिफरेंट फॉर्म्स और उनकी टॉक्सिसिटी के बारे में ये वीडियो है। तो शुरुआत करते हैं अपनी पहली स्लाइड से। हियर वी गो। थोड़ा सा नाइट्रोजन साइकिल के बारे में भी समझ लेते हैं। नाइट्रोजन साइकिल में नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, जिसमें नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है अमोनिया में और नाइट्रेट में। नाइट्रिफिकेशन द्वारा उस अमोनिया को लेस हानिकारक नाइट्रेट में बदल देते हैं। एसिमिलेशन, इसमें अमोनिया और नाइट्रेट का बायोलॉजिकल टिश्यू में इनकॉर्पोरेशन हो जाता है, जैसे एल्गल अपटेक और हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया के द्वारा। अमोनिफिकेशन, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड जितने हैं उनको अमोनिया में चेंज कर देना। और डीनाइट्रिफिकेशन, जहां पर नाइट्रेट को वापस फिर नाइट्रोजन में परिवर्तित कर दिया जाता है। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, लेकिन इसके बारे में एक नया वीडियो बना देंगे। अभी देखते हैं कि अमोनिया जो है वो क्या चीज़ है। अमोनिया प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म का एंड प्रोडक्ट है। ये हम लोगों में भी एंड प्रोडक्ट बनता है अमोनिया, जिसको लीवर जो है वो यूरिया में बदल देता है, क्योंकि यूरिया जो है कम हानिकारक होता है। लेकिन यहाँ पर मछलियाँ जो हैं इसे गिल्स के द्वारा और फीसेस के द्वारा बाहर निकाल देती मीडियम में, क्योंकि अमोनिया जो है वो पानी में अच्छी तरह से घुल जाता है, तो प्रोटीन डाइजेस्ट करने के बाद उसे पानी में निकाल दिया जाता है। अमोनिया जो है वो फीड में कितना प्रोटीन है उस पर निर्भर करता है। जितना प्रोटीन की परसेंटेज ज़्यादा होगी, अमोनिया उतना ज़्यादा बनेगा। और फीडिंग भी आप जितना ज़्यादा करेंगे, जाहिर सी बात है अमोनिया फिर भी बढ़ेगा, भले ही उसमें प्रोटीन कम हो। और अमोनिया जो है, अगर पॉन्ड की बात करें तो पॉन्ड में जो अनईटन फीड चला जाता है, डेड एल्गी, हाइड्रोफाइट्स और ये सब हैं, फीसेस भी, इन सब का माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन होता है, उससे भी अमोनिया बनती है। अमोनिया के फॉर्म्स और टॉक्सिसिटी के बारे में जानते हैं। जो टोटल अमोनिया नाइट्रोजन है, इस पर एक वीडियो हमने बनाया है कि टोटल अमोनिया नाइट्रोजन को कैसे नापते हैं। इसकी टेस्ट किट आती हैं, उनसे नाप कर आप अमोनिया, टोटल अमोनिया नाइट्रोजन यानी कि टैन की रीडिंग ले सकते हैं। टैन में दो तरह के अमोनिया होते हैं, एक टॉक्सिक होता है अमोनिया और एक नॉन टॉक्सिक होता है। और जो टॉक्सिक होता है यानी अनआयनाइज्ड अमोनिया, वो बहुत कम होता है टैन में, और वो डिपेंड करता है कि टेम्परेचर और पीएच कितना है, उस हिसाब से टॉक्सिक और नॉन टॉक्सिक के बीच में एक बैलेंस एग्जिस्ट करता है। जैसे देखिए, हाइड्रोजन आयन है, हाइड्रोजन आयन का मतलब हुआ एसिडिक, तो पीएच के बारे में आप लोग जानते ही होंगे कि 7 पीएच जो है वो न्यूट्रल माना जाता है। 7 से नीचे जाएगा तो उसे एसिडिक बोलेंगे। तो अगर एसिडिक माहौल रहेगा तो उसमें जो ये टॉक्सिक वाला अमोनिया है वो कम रहेगा और वो नॉन टॉक्सिक में परिवर्तित हो जाएगा। इसका ठीक उल्टा, अगर बेसिक होगा यानी कि पीएच जो है वो 7 से ज़्यादा होगा, तो ये जो नॉन टॉक्सिक वाला है ये टॉक्सिक में बदल जाएगा। तो पीएच पर और टेम्परेचर पर ये निर्भर करता है। हम लोग आगे कैलकुलेशन के द्वारा इसे जानने की कोशिश करेंगे। पीएच को ये देख लीजिए, ये स्केल होती है जिसमें 7 जो है वो न्यूट्रल माना जाता है, और जैसे जैसे 0 की तरफ बढ़ेंगे वो हाईली एसिडिक होगा, और जैसे जैसे 14 की तरफ बढ़ेंगे तो एल्कलाइन कहलाता है। जो टैन में टॉक्सिक अमोनिया का प्रोपोर्शन रहता है वो टेम्परेचर और पीएच के साथ बढ़ता है। अगर एक यूनिट पीएच बढ़ गया तो जो टॉक्सिक वाला अमोनिया होता है वो लगभग 10 गुना बढ़ जाता है। तो अब आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा आवश्यक है अमोनिया के बारे में जानना, कि आपके कल्चर के मीडियम में, पानी में जो टोटल अमोनिया नाइट्रोजन है उसमें टॉक्सिक वाला अमोनिया कितना है। इसे एक कैलकुलेशन के आधार पर हम लोग देखेंगे। उसके पहले ये टेबल देख लीजिए, ये इमर्सन एट ऑल ने 1975 में बनाया था। इस टेबल में एक तरफ टेम्परेचर है और एक तरफ पीएच है। तो अगर हम, मान लीजिए हम लोग को किसी खास टेम्परेचर और ख़ास पीएच पे रीडिंग लेनी है, तो कैसे लेंगे?
मान लीजिए 24 टेम्परेचर पे हम रीडिंग लेना चाहते हैं, जबकि पीएच हमारा पानी का 9 है। तो हम इस तरह से आकर के यहाँ पर रीडिंग देख लेंगे, ये 0.3456 यहाँ पर रीडिंग आई। इसी तरह से हम किसी भी टेम्परेचर पर जो इस चार्ट में दिया हुआ है और उसके करस्पॉन्डिंग किसी भी पीएच पर रीडिंग उठा सकते हैं। इस रीडिंग का इस्तेमाल कैलकुलेशन में होगा, जैसा कि हम लोग आगे देखते हैं। जो टॉक्सिक अमोनिया होता है वो हम लोग 10 से कैलकुलेट कर लेते हैं कि 10 में क्या उसका फ्रैक्शन है टॉक्सिक वाले का। उसके लिए टेबल ए पर हम लोग रीडिंग लेंगे और किस वाटर टेम्परेचर पर और पीएच पर हमें रीडिंग लेनी है वो हमारा इस बात पे निर्भर करेगा कि हमारे कल्चर मीडियम का वाटर टेम्परेचर और पीएच कितना है। इसको एक उदाहरण से समझते हैं तो आसान हो जाएगा। मान लीजिए हमारे कल्चर मीडियम का जो वाटर है उस पे पीएच जो है वो 8.4 है, टेम्परेचर 28 डिग्री सेंटीग्रेड और 10 हमने जो किट से नापा है तो 4 मिलीग्राम पर लीटर आया है। तो अब हम उस चार्ट में देखेंगे कि 28 डिग्री सेंटीग्रेड पर 8.4 पीएच पर क्या रीडिंग है, तो वो है 0.1495। उसको हमने 4 से गुणा कर दिया तो हमारे पास जो रीडिंग आई टॉक्सिक अमोनिया की वो आई 0.598 मिलीग्राम पर लीटर। ये चार्ट में देखिए आप, यहाँ पर आप 28 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर और 8.4 पीएच पर रीडिंग देख रहे हैं, तो ये 0.1495 आ रहा है और इसको हमने 4 से गुणा कर दिया यानी कि 10 से गुणा कर दिया, तो हमें अपना टॉक्सिक जो अमोनिया है वो पता लग गया। तो अब हम लोग एक उदाहरण से और देखते हैं कि पीएच के और टेम्परेचर के बदलने पर ये टॉक्सिक वाला अमोनिया कैसे बदलता है। जो टॉक्सिक अमोनिया है वो 0.6 मिलीग्राम पर लीटर भी अगर पानी में हो जाएगा तो भी ये मछलियों के लिए बहुत घातक हो जाएगा, इससे मछलियाँ कुछ ही दिन में मरना शुरू हो जाएंगी। तो ये लोगों को समझ में नहीं आता है क्योंकि लोग 10 देखते हैं और 10 अगर 4 है या 3 है तो समझते हैं कि ये अमोनिया तो ठीक है। आइए एक उदाहरण से देखते हैं इसको। अभी पिछला केस ले लेते हैं, उसमें वाटर था 8.4 पीएच का, टेम्परेचर था 28 डिग्री सेंटीग्रेड और 10 था 4, तो हम लोगों का जो टॉक्सिक अमोनिया आया था वो 0.598 मिलीग्राम पर लीटर यानी कि ppm था। अब जो टॉक्सिक है, टॉक्सिसिटी है इस अमोनिया की जो टॉक्सिक वाला है वो 0.6 मिलीग्राम पर लीटर से शुरू हो जाती है। तो अब हम एक केस दूसरा लेते हैं जहाँ पर हमारा वाटर का पीएच 8.6 है, टेम्परेचर 28 है और 10.4 है, यानी कि सारी कंडीशन वही है, सिर्फ पीएच जो है वो 0.2 से बढ़ गया है। तो हम लोग जो है चार्ट में जाके देखेंगे कि 28 डिग्री सेंटीग्रेड पर 8.6 पर हमारी क्या रीडिंग है, तो वो रीडिंग है 0.2178। तो हम लोग 0.2178 को 4 से गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 0.8712 मिलीग्राम पर लीटर। अब आप देखिए ज़रा सा ही पीएच बढ़ा है 0.2 और आप जो है टॉक्सिसिटी के लेवल को कितना आगे पार कर गए। यही चीज़ हम बताना चाह रहे थे कि जो टेम्परेचर और पीएच पर टॉक्सिसिटी अमोनिया की कितनी बढ़ सकती है, जबकि टोटल अमोनिया नाइट्रोजन आपको वही शो कर रहा है। इसी तरह मछलियाँ आरएएस में या बायोफ्लॉक में या पॉन्ड में मरती हैं लेकिन आदमी समझ नहीं पाता कि ये अमोनिया के टॉक्सिसिटी की वजह से मर रही है। तो हम लोग का पूरा प्रयास ये होना चाहिए कि जो हमारा मीडियम है, जो कल्चर का मीडियम है, उसमें जो अमोनिया है उसकी टॉक्सिसिटी का लेवल हमेशा कम ही रहे, क्योंकि अगर कम नहीं रहेगा तो अगर 0.06 मिलीग्राम पर लीटर भी बना रहा तो वो धीरे धीरे करके गिल को डैमेज कर सकता है, किडनी को डैमेज कर सकता है, इससे ग्रोथ ख़राब हो सकती है, ब्रेन माल फंक्शन कर सकता है और मछली की जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है उस पर असर पड़ सकता है। ये सब चीज़ें मिला जुला के मछली को कमज़ोर कर देंगी, उसे उसमें आपकी यील्ड प्रभावित होगी और बीमारी भी लग सकती है। तो ये हम लोगों ने टॉक्सिक अमोनिया के बारे में जाना कि टॉक्सिक और नॉन टॉक्सिक कैसे अमोनिया होता है टोटल अमोनिया नाइट्रोजन में। अब अगला वीडियो हम लोग लाएंगे जिसमें हम लोग इसके कंट्रोल और प्रिवेंशन के बारे में बात करेंगे।
तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, कोई नई जानकारी आपको प्राप्त हुई हो, तो इसको आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।